उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा आज जिला योजना की समीक्षा करने के लिए मेरठ पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दे डाली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सूबे में जिस तरीके से रहस्यमय बुखार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उसे बचाव के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी और DPRO के माध्यम से ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कहीं भी जलभराव ना हो और हर जगह साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार के लिए सर्वोपरि है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि कई जगहों से शिकायतें मिली हैं, जिन पर अधिकारियों को शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मंत्री जी, आज समीक्षा की गई, क्या क्या इसमें प्रमुख शिकायतें सामने, इसके बाद क्या निर्देश आपने मिला दिए? देखिए, जिला योजना की बैठक थी और ये बैठक के सब मैं बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलाता हूँ। उसमें सबके सुझाव भी लिए हमने। सरकार की मंशा यही है कि जो केंद्र और राज्य की योजना है उसका 100% लाभ जो पात्र लोग हैं उनको मिले। प्रधानमंत्री आवास का लाभ पात्र लोगों को मिले, वृद्धा पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, उसका लाभ पात्र लोगों को मिले। और जो पैसा राज्य से और केंद्र से जो लाभार्थी हैं, जो जिनको आवश्यकता है उन तक दिया जाता है, वो बिना किसी व्यवधान के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये जनता की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गरीब कल्याण की योजना है वो 100% नीचे तत्काल प्रभाव से उसका लाभ लोगों को मिले, यही हम लोग सुनिश्चित करते हैं। आज की बैठक में भी काफ़ी सुझाव आए, विस्तार से हमने उन सुझावों को सुना है। जिलाधिकारी महोदय को उन सभी जो सुझाव आए उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। समस्या वगैरह मिली है, कुछ शिकायतें इस तरीके हैं जिसके लिए कुछ कड़े शब्दों में कहना पड़ा अधिकारियों को? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सैनिटाइजेशन सभी पंचायतों में हो जाए। जलभराव की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। ये जो एक बुखार चल रहा है, कहीं डेंगू का है, कहीं और अलग अलग तरीके का बुखार सामने आ रहा है ब्लड सैंपलों में, तो प्रयास यही है। DPRO को, जिलाधिकारी को ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सकता है सैनिटाइजेशन हो जाए, पंचायत में हर घर में दवा का छिड़काव हो जाए और जहाँ जल भराव है उसकी जल की निकासी हो जाए, और गांव के आसपास जो पोखर हैं, जो तालाब हैं, उनमें गांव का जहाँ पानी जाता है वहाँ इंक्रोचमेंट है तो उसको भी हटाया जाए, जिससे कि गांव में जो जल भराव है उसकी समस्या से गांव के लोगों को निजात। मंत्री जी, बोलता हूँ कि मेरी OTS योजना आएगी, लगाने की बात चली है कि 14 जिलों में। देखिए, उसमें केवल ये सिर्फ जो ऑडिट होता है बिजली का, कितनी बिजली खपत हो रही है उसके लिए, क्योंकि स्टेट लेवल पर इसका आकलन हम लोग करते हैं, किसानों को फिक्स चार्ज पे ही बिजली के बिल उपलब्ध कराए जाते हैं और वो फिक्स चार्ज पे ही उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, फिक्स चार्ज से ही उनको अपने बिल दिए होने हैं। मीटरों का और बिल से कोई संबंध नहीं है, तो लोग भ्रम में ना रहें। जो फिक्स चार्ज के रूप में जो पूर्व में वो जो बिल दे रहे थे उसी तरीके से उनसे बिल लिया जाए। किसान जो है वो डरे हुए हैं और किसानों को सस्ती बिजली सरकार दे रही है। किसानों के खेत तक जो बिजली पहुँचती है उसकी कीमत 7.55 रुपये आती है, और किसानों को अगर आप यूनिट से कन्वर्ट करें तो 1.25 रुपये ही केवल मात्र किसानों से हम लोग लेते हैं, बाकी सब पूरा पैसा सरकार कंपनियों को देती है। पूर्व सरकार में लगभग 450 करोड़ ही सब्सिडी मिलती थी, आज हमारी सरकार में 10,500 करोड़ हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। ये किसानों के लिए है, गरीब को लेकर क्या है कि सरकार OTS लाने जा रही है? डेंगू और रेशमी बुखार, बरसात के मौसम में देखा कि नाले किस तरह से हटे और पानी का झंझरा हुआ, तो इस तरह का दिशा निर्देश आपकी तरफ कोई दिए गए हैं कि अधिकारी? मैंने अभी पूर्व में कहा, आपने सुना होगा, ये जो मिस्ट्री फीवर चल रहा है, ये डेंगू चल रहा है, इससे बचाव के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी सभी ग्राम पंचायतों में चले, नगर निगम क्षेत्रों में चले, पूरे जिले के अंदर चले, और हम मलेरिया, डेंगू और ये मच्छरों से कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं उसके लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है। हर गांव में दवा का छिड़काव हो और
जो तालाब है पोखर उनके किनारे किनारे भी दवा का छिड़काव हो और गांव में हम अपने लोगों को मच्छरों से कैसे बचा पाएं, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या ओटीएस योजना आ रही है? गाजियाबाद से और कई अन्य जिलों से ऐसी विजुअल सामने आए हैं जिसमें जल भराव के दौरान बिजली के खंभों पर करंट लगने से कई मौतें भी हुई हैं। इस पर क्या दिशा निर्देश दिए हैं? अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जहाँ जैसे जहाँ फ्लड आता है या बरसात के समय ज़्यादा पानी भर जाता है तुरंत वहाँ पर लाइन को शटडाउन लिया जाए और जब पानी निकल जाए तब वहाँ लाइन चेक करके चालू की जाए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो वहीं किसानों को सस्ती बिजली दिए जाने के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों को पिछली सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है और बिजली की एक यूनिट करीब 7.55 रुपए पड़ती है और जबकि किसान को 1.25 रुपए के हिसाब से बिजली उनके खेत तक मुहैया कराई जा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में 450 करोड़ बिजली की सब्सिडी के रूप में किसानों को दिया जाता था जबकि मौजूदा सरकार 1500 करोड़ की बिजली सब्सिडी किसानों को मुहैया कराई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।